हाय फ्रेंड्स, आज जो प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूँ, ये प्रोजेक्ट का नाम है जस्मिन रेसिडेंसी। ये सालासर ग्रुप और यूएसडी ग्रुप यानी कि यूनिक शांति डेवलपर यहाँ पे मीरा रोड में काफ़ी बड़े नाम है इनका। करीबन 50+ बिल्डिंग इन्होंने हैंडओवर किया हुआ है। सालासर का भी सेम, दोनों के जॉइंट वेंचर में ये डेवलप कर रहे हैं जस्मिन रेसिडेंसी। ये बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे टच है, काशी गांव में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही ये बना रहे हैं। मैं विकास बरनवाल, सीपी यानी ऑथोराइज्ड चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए, जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, पीडीएफ और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल, कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। ओवर 4000 सैटिस्फाइड फैमिलीज विद आवर कंपनी Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. सालासर के कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं आपको, जिसमें सालासर आशीर्वाद, सालासर उर्स, राधे कृष्णा, श्री बल्लभ, यूनिक ऑर्बिट 2, यूनिक शांति डेवलपर का जैसे यूएसडी इवाना, यूएसडी द एड्रेस, यूएसडी का भी काफी सारे डेवलपमेंट यहां पे हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका 0.63 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, फ्री होल्ड लैंड है इसका, और 22 स्टोरी टावर है, 22 माले की बिल्डिंग है, एक विंग की पूरी है, सोसाइटी है, और हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। एमिनिटीज इसके ग्राउंड फ्लोर पे हैं और पार्किंग इसके ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे पूरा इसका कमर्शियल प्रोविजन किया हुआ है कि ऊपर पूरे कमर्शियल ऑफिस इन्होंने बनाया है। सेकंड फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है। सेकंड फ्लोर पे यानी कि पहले माले का जो पहला फ्लैट इनका बनेगा वो सेकंड फ्लोर से बनेगा। अगर आप रेरा में कोई डिटेल जानना चाहते हैं जस्मिन रेसिडेंसी के रिलेटेड, इसका महारेरा नंबर है P517000257711। ये इसका महारेरा नंबर है। इस रेरा नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और ये रेरा का QR कोड भी है, बार कोड भी है, इसको भी स्कैन करके प्रोजेक्ट रिलेटेड सारा कुछ देख सकते हैं। हर एक 3 महीने में डेवलपर को अपडेट डालना पड़ता है रेरा पे, तभी उनको आगे का कंस्ट्रक्शन का परमिशन मिलता है, अदरवाइज उनको पेनल्टी आ जाती है। तो रेरा में काफी स्ट्रिक्ट है और कस्टमर सेंट्रिक डिजाइन किया हुआ इस वेबसाइट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पहले जितने भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, बायर्स को जो तकलीफ आ रहा था कि बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदने में, वो सब चीजों को सोल्यूशन रेरा लेके आया हुआ है। रेरा में इसका पोजीशन दिसंबर 2025 है। डेवलपर भी सेम आपको दिसंबर 2025 में बना के हैंडओवर कर देंगे। और सीसी पूरे टावर का रिसीव्ड है, सिटी व्यू फ्लैट भी है, और बैक साइड में आपको संजय गांधी नेशनल पार्क यानी हिल व्यू, फॉरेस्ट व्यू भी मिल जाता है। सब कास्ट के लोग हैं इसमें। और कंस्ट्रक्शन का स्टेज कम्प्लीटली 40-50% कंस्ट्रक्शन इसका हो चुका है, ड्यू हो चुका है, और मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड भी है। किसी भी बैंक से आपको लोन लेना हो तो इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जिसमें भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, सब में इजिली आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों 1 BHK और 2 BHK दो टाइप के फ्लैट हैं इसमें, और दोनों ही देखें तो प्राइसिंग काफी बढ़िया है, काफी अच्छा रीजनेबल प्राइसिंग है, जो आगे मैं बात करूंगा। इसमें कुछ एमिनिटीज मैं बता दूं, स्मार्ट चिल्ड्रन प्ले एरिया दिया हुआ है, और सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है ना कि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही बन रहा है। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी के लिए कुछ सोचना नहीं है, मेट्रो स्टेशन पास में है, सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको इजिली मिल जाता है। रही बात अब इसका, मैं कुछ थिएटर वगैरह की बात करूं, मॉल इसमें यहाँ से ठाकुर मॉल, प्लस सिनेमैक्स थिएटर, रसाज मल्टीप्लेक्स थिएटर, डी मार्ट, बिग बाजार, मैक्सेस, ये सब 5-10 मिनट के अंदर आप रीच कर जाते हैं। दहीसर चेकनगर यहाँ से 2 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। अब आते हैं इसके साइजिंग और प्राइसिंग पे। अभी 1 BHK का मैं बता दूं, ये इसका 1 BHK का PDF है। मैं PDF इसलिए बात कर रहा हूं ना क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल फ्लैट बना नहीं है। जो बड़े रेप्यूटेड जो डेवलपर होते हैं ना दोस्तों, इनका अपने आप में रेपुटेशन इतना होता है कि फ्लैट बनने के पहले ही ये बेच डालते हैं पूरे के पूरे। प्राइसिंग और कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं मैं, यानी कि फ्लैट और फ्लैट के कीमत की बात करूं मैं, इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की फ्लैट बना रहे हैं। ये आप कुछ PDF के जरिए मैं आपको 1 BHK और 2 BHK दिखा रहा हूं, ये आप देख लें। इसके बाद इसका स्क्वायर फुट समझते हैं, 408 और 425 स्क्वायर फुट का, यानी 408 एंड 425, दो साइज में ये 1 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइस 50 लाख से लेके 55 लाख के बीच में है, यानी 50-55 लाख के बीच में। अब 2 BHK की बात करूं, 625 स्क्वायर फुट का, यानी 625 स्क्वायर फुट का, जिसकी प्राइस 78-82 लाख के बीच में है, यानी कि 78-82 लाख के बीच में है। अब ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ, एक टेंटेटिव प्राइस बता रहा हूँ, फाइनल प्राइस तो मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे नहीं दे पाऊंगा। फाइनल प्राइस, बॉटम प्राइस अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फोन करें, मैं और
मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। इसके ये जो मैंने अभी बताया है ये बेसिक प्राइस है, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी GST वगैरह अलग से लगेगा। दोस्तों आइए कुछ टेक्निकल चीजें भी समझ लें। जब आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो किस तरह से नेगोशिएशन होता है और कितना नेगोशिएशन होता है, बॉटम रेट कैसा मिलता है, टेक्निकल चीजें भी सब आगे के वीडियो में आप समझ लें। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं, नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने CP को साथ में लेके जाएं जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका OC आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो CP काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड
पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है, कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार, 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना होना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी PLC यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है, बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया और PLC के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं NRIs हैं अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का तो वो सामने से आके एक बार कॉन्टेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है उसको जो नॉलेज है उसको जो एक्सपीरियंस है वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है, आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी CP को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं उनका पर्सनली एक CP या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा उसको क्रॉस कर दूं, ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा CP के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़, 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़, 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज्यादा इंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा इंटरटेन करेगा ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1,000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है, वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है, हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है, कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज एज ए CP चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग, तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं जनरली उनको 6 महीने में पूरा
प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, दो तीन प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100 200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करें अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, उसका वजह यह है कि कभी कभी जो हमारे पास ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है या फिर रीसेल की जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा ऐसे हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे हमारे चैनल पे, तो कभी भी जब इनको जरूरत होती है प्रॉपर्टी बेचना है, अर्जेंट बेचना है, तो 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपए कम में बेचते हैं। इस टाइप के जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, न्यू प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूं, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट होगा कि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूं उससे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों, मैंने हजारों लाखों लोगों को मैंने ये प्रॉपर्टी का बेनिफिट करवाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।